जनपद में बहने वाली रोहिन नदी अब भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, तो वहीं सरयू नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है जो खतरे के निशान से नीचे बह रही है। राप्ती नदी भी धीरे धीरे खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है, जिसके संबंध में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा और गंडक और सिंचाई विभाग द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार राप्ती नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य सभी नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज किया गया है। रोहिन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी और वह भी अब धीरे धीरे उतार पर आ रही है। उन्होंने बताया कि साथ ही यदि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश नहीं होता है तो राप्ती नदी में घटाव हो सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, एक बार चल के जगह एक बार देख लीजिए जैसा वो आएगा बता देगा। कुंजीलाल अभी थोड़ी आज जो हम लोगों को केंद्रीय जल आयोग द्वारा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मुख्य अभियंता गंडक सिंचाई प्रमंडल से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार राप्ती नदी का जलस्तर तो बहुत स्लाइटली बढ़ रहा है और उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य सभी नदियां जो हैं वो डाउनफॉल पे हैं। हालांकि अभी रोहिन नदी भी अपने डेंजर लेवल से ऊपर है, लेकिन उसमें भी हम लोग जो धीरे धीरे वो भी उतार पर आ रही है, तो लेकिन राप्ती का अभी थोड़ा सा बढ़ना क्रम जारी है। लेकिन उम्मीद है कि कल शाम से या अगर ऊपर कैचमेंट एरिया में और अधिक बारिश नहीं होती है तो उसमें भी एक स्थिरता बन सकती है या फिर धीरे धीरे वो भी उतार पर आ जाएगी।